हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक में हम बेसिकली कवर करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन और फर्टिलाइजेशन। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल। कल हमने पॉलिनेशन कंप्लीट किया, तो आज नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो व्हाट डज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इन्वॉल्व? देखो, वंस द पॉलिनेशन इज डन, आपका पॉलिनेशन हो गया है, पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा का पॉलिन को आइडेंटिफाई करने से लेके पॉलिन का एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमेट को डिस्चार्ज करने तक के सारे फिनोमेनन्स आते हैं पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन में। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिन बाय स्टिग्मा। और कहां तक आता है ये इवेंट? अप टू द रिलीज ऑफ मेल गैमेट इनटू एम्ब्रियो सैक। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही हिस्सा है। तो यहां पे सबसे पहले पॉलन का आइडेंटिफिकेशन और फाइनल क्या इसके अंदर मेल गैमेट का रिलीज होना, ये सारी प्रोसेस है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट टाइप पॉलन। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट टाइप पॉलन। राइट टाइप पॉलन से मतलब है कि पॉलन आपका सेम प्लांट स्पीसीज का होना चाहिए। मतलब अगर जैस्मीन का स्टिग्मा है तो उसके ऊपर पॉलन भी किसका लैंड करना चाहिए? जैस्मीन का। तो अपने पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी स्टिग्मा में होती है। दिस इज कॉल्ड एज अ डायलॉग बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पॉलन, जिसमें प्रोटीन इंटरैक्शन की हेल्प से स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन को आइडेंटिफाई करता है बाय प्रोटीन इंटरैक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? अगर राइट टाइप पॉलन है तो पॉलन ट्यूब बनेगी, नहीं है तो पॉलन रिफ्यूज हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। सीधी सी बात है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जाना है, इसीलिए इसको सिफोनोगैमी भी कहा जाता है। मतलब मेल गैमेट का रिलीज होना फीमेल गैमेट तक ट्यूब के थ्रू। तो अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा। यहां पे एक चीज समझना, वी डिस्कस्ड कि मैक्सिमम स्टेजेस में जब पॉलन रिलीज होता है एंथर में से, तो वो किसमें होता है? टू सेल स्टेज में होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और कुछ प्लांट्स में ऐसा केस होता है कि ये किस स्टेज में है? थ्री सेल स्टेज। थ्री मतलब एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल न्यूक्लियस। तो यहां ये चीज समझने वाली है, अगर यहां पे ये टू सेल स्टेज में होगा पॉलन, तो जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो पॉलन ट्यूब के बनते ही, सीधी सी बात है पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बनती है, पॉलन ट्यूब के बनते ही इसका जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा। और जनरेटिव सेल के डिवाइड करने की वजह से पॉलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस एंटर करेंगे? तीन, एक वेजिटेटिव सेल का और दो मेल गैमेट का। अब जिसमें पॉलन ऑलरेडी थ्री सेल स्टेज में है तो वहां पे कोई डिवीजन नहीं होगा, सीधा ट्यूब बनते ही पॉलन अंदर गैमेट को और जनरेटिव सेल के वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देगा। दैट इज ओके। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज, अब इसमें क्या होता है, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, सिनर्जिड्स। अगर आपको याद होगा तो दिस इज द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के नीचे के दो सेल सिनर्जिड कहलाते हैं, इसके ऊपर एग, ये वाला स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म एपरेटस, यहां पे थ्री सेल्ड होता है आपके एंटीपोडल्स, और बीच में होता है आपका सेंट्रल सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। तो इट इज बिलीव कि जो ये सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड एक केमिकल रिलीज करते हैं, सिनर्जिड रिलीजेस कीमोटैक्टिक सब्सटेंस। देखो कीमोटैक्टिक का मतलब होता है केमिकली अट्रैक्टिव सब्सटेंस। तो ये क्या करता है, एक केमिकल रिलीज कर रहा है
जो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉलन ट्यूब को। किसको अट्रैक्ट किया बेटा इसने? पॉलन ट्यूब को। मतलब जो ये पॉलन ट्यूब है, यहां पे आपका सिनर्जिड होता है। सिनर्जिड के नीचे वाला एंड क्या कहलाता है? माइक्रोपाइप। तो ये क्या करेगा? एक केमिकल रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो ये पॉलन ट्यूब है कहां से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंटर करेगी। इज दैट ओके? सो दिस इज द रोल ऑफ सिनर्जिड्स हियर। नाउ वंस यहां पे अब बेटा जो पॉलन ट्यूब है वो तीन तरीके से एंटर कर सकती है। पहला होता है कि वो माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंटर करे। दूसरा होता है ये आपका, अगर देखिए, अगर आप इसको ऐसे समझो, ये एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल है आपका, इंटेग्यूमेंट्स हो गए। तो तीन तरीके से एंटर कर सकता है। पहला कहलाता है पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब होता है जब कहां से एंटर किया? माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंटर किया। तो जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है तीन तरीके से हो सकती है। पहला होता है पोरोगैमी, दूसरा होता है चेलाइजोगैमी। चेलाइजोगैमी का मतलब है ये पॉलन ट्यूब आई, चेलाइजल एंड में गई और अगेन एंटर कहां से करेगा? एंटर फाइनली माइक्रोपाइल वाले रीजन से ही करता है। सो दिस इज चेलाइजोगैमी। और थर्ड जो है आपका वो कहलाता है मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब होता है कि ये आपकी पॉलन ट्यूब आई इंटेग्यूमेंट्स को फाड़ते हुए जाएगी और फाइनली सिनर्जिड्स के थ्रू ही एंटर करेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज मीजोगैमी। तो बेसिकली ये तीन रूट है जहां से पॉलन ट्यूब आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा। तो आते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लास्ट पार्ट में, और वो लास्ट पार्ट ये है कि रिलीज ऑफ मेल गैमेट इनटू एम्ब्रियो सैक। तो फाइनल पार्ट क्या हुआ कि एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमेट का रिलीज होना। सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, एग। तो ये आ गया। यहां पे फाइनली ये क्या करेगा? अपने दो मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। याद रखना कि यहां पे सिर्फ मेल गैमेट रिलीज होते हैं। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो गया। डीजेनरेट मतलब खत्म हो गया। ये जो सिनर्जिड्स हैं, ये सिनर्जिड्स एक सीट प्रोवाइड करते हैं जहां पे मेल गैमेट रिलीज हो सके, बिकॉज दे प्रोवाइड द एरिया फ्रॉम वेयर द मेल गैमेट आर रिलीज इनटू द एम्ब्रियो सैक। सो दिस पोर्शन कंप्लीट्स द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब जो अगला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है, फर्टिलाइजेशन। जैसा कि फर्टिलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, ये फेज है आपका, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब इसमें क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि दो मेल गैमेट क्यों रिलीज हुए? तो याद रखना, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन है उसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स का फीचर है और ये एक एडवांस फीचर है। रिमेम्बर दिस, डबल फर्टिलाइजेशन के कुछ एडवांटेज है प्लांट को। तो समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। दिस इज एम्ब्रियो सैक, एंटीपोडल्स, दीज आर सिनर्जिड्स, दिस इज एग, एंड दिस इज सेंट्रल सेल। नाउ अंडरस्टैंड, दो मेल गैमेट रिलीज हुए हैं, ये पहला ये दूसरा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि दो बार गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है किसके साथ? एग के साथ, और क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट आपको पता ही है, नेक्स्ट जनरेशन का फाउंडर। तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। मेल गैमेट हैप्लॉइड होगा, एग हैप्लॉइड होगा, तो जाइगोट बना वो क्या होगा? डिप्लॉइड। दिस इज सिनगैमी। द सेकेंड केस इज, जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ।
नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये एक गैमेट है, एक न्यूक्लियस हो गया, ये दो न्यूक्लियस हो गए, तो कुल मिला के कितने न्यूक्लियस फ्यूज किए यहाँ पे? तीन न्यूक्लियस, दो सेंट्रल सेल के या पोलर सेल के और एक मेल गैमेट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. वाई ट्रिपल फ्यूजन? बिकॉज थ्री न्यूक्लियस आर फ्यूजिंग हेयर, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. 1, 2, 3 एंड दिस फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा? तीन न्यूक्लियस हैं तो कैसा होगा? ये ट्रिप्लॉइड होगा. इसका इसमें तीन न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड. तो वंस द फ्यूजन इज डन, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा. जैसे ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के कुछ टाइम बाद ही आपको ये एंटीपोडल्स गायब होते दिख जाएंगे, सिनर्जिड्स भी गायब हो जाएंगे. ये बन गया आपका जाइगोट और यहां पे बन गया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. नाउ मेनी स्टूडेंट आस्क व्हाट इज द एक्चुअल एडवांटेज, व्हाट इज एक्चुअली द एडवांटेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. द मेन एडवांटेज इज दैट ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आगे चल के इस जाइगोट को नरिशमेंट देने का काम करता है. और ये जो पोर्शन है, ये हम इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो फॉर टूडेज टॉपिक इज डन, पॉलिन बेसल इंटरक्शन एंड फर्टिलाइजेशन. सो इनकेस इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क. सो दैट इज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू.